हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्चना। आज मैं बताऊंगी IBPS SO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तीन स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में तीन सब्जेक्ट आती हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। इनमें तीनों में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वांट में 50 मार्क्स, रीजनिंग में 50 मार्क्स, लेकिन इंग्लिश में 25 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपको जो टाइमिंग है 40-40 मिनट तीनों के लिए मिलती है। ये सेक्शनल टाइमिंग होती है, इससे आप कम या ज़्यादा नहीं ले सकते। तो 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। इसके जो मार्क्स हैं आपके कट ऑफ में ऐड नहीं होते। फिर आता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं और जो 60 मार्क्स के होते हैं और जो ड्यूरेशन है इसके एग्ज़ाम की 45 मिनट। और इसमें ना नेगेटिव मार्किंग प्री में भी और मेंस दोनों में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद इंटरव्यू होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है और इसकी जो फाइनल कट ऑफ होती है मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को ऐड करके ही बनती है। फाइनल कट ऑफ के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और इसकी प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होती है। दिसंबर में इसका प्री एग्ज़ाम, जनवरी में मेंस एग्ज़ाम, फरवरी की लास्ट होते होते मार्च में आपका इंटरव्यू हो जाता है और अप्रैल मई की लास्ट में आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। थैंक यू।